Hello, welcome to Innocent. So today we are going to start our class 11th history notes chapter 1 from the beginning of time. Okay, in which we are going to study about the whole human structure, human evolution from the ancient time to the modern time, how they evolved from monkeys to modern human and apes, all things we will study. Okay, so let's have a tree structure, tree. Okay, human evolution tree, which you can also make in your notebook. And I am going to tell you, this is the notes which you can get here and also on the Telegram channel, which is given, whose link is given in the description box. Okay, so let's have a look on the tree. Here, as you can see, this is the primate family tree. Okay, initially, here you can see MYA. What is this? MYA is basically million years ago. Okay, so 60 to 65 million years ago, there were loris, which is prosimians. Okay, after that, here is 35 million years ago, there were New World monkeys, and 25 million years ago there were rhesus macaque, old world monkeys. This is the family tree. Okay, from that here is the lesser apes, great apes 12 million years ago, then 7 to 8 and gorilla, then 6 to 7 there is chimpanzee. Okay, after that we evolved to the human, which is in the present scenario. Okay, so this is the human primate family tree, how human evolved from the ancient time to modern 60 to 65 million years ago to the current scenario. Okay, here I am providing you the brain structure of some this is just for your basic knowledge. Okay, here is the million years ago, 0 million years ago, which means current scenario, that is Homo sapiens. We are the Homo sapiens. Before this, 0 to 1 million years ago, how this evolved to this? This structure came to this. Ancient time में कुछ इस प्रकार का structure हुआ करता था. ये evolve होते 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 आज के time में we are the human beings, Homo sapiens of this structure. ओके, ये बस आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए है, बेसिक व्यू के लिए था. नाउ वी आर गोइंग टू ऑन आवर नोट्स. दो काम कर सकते हैं आप, या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर मैं आपको इसका नोट डाउन करवा देता हूं. तो सबसे पहला जो है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेजेस. तो मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिवाइड किया गया है. ओके, सब ग्रुप्स ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स इज नोन एज प्राइमेट्स. तो प्राइमेट की ट्री स्ट्रक्चर भी दिखाया मैंने आपको. तो प्राइमेट्स जो था बेसिकली 36 टू 24 मिलियन ईयर्स एगो कहाँ एग्जिस्ट करता था? इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में एग्जिस्ट करता था. ओके, देन होमोनोइड्स कैन बी ट्रेस्ड अबाउट 24 मिलियन ईयर्स एगो. तो होमोनोइड्स की जो वो थी उसको कितने मिलियन ईयर्स एगो ट्रेस किया जाता है? वो जो पाए जाते थे 2400 मिलियन ईयर्स एगो बेसिकली. ओके, देन बात करते हैं एप्स की. मैंने एप्स के बारे में बताया, केम अंडर होमोनॉइड्स, इसी के अंडर आते हैं, एंड हैड कंपैरेटिवली स्मॉलर ब्रेन. तो उनका ब्रेन जो होता था वो क्या होता था, कंपैरेटिवली इससे कंपेयर करने पे क्या होता था, स्मॉलर होता था. होमोनॉइड्स हैड फोर लेग्स. होमोनॉइड्स के पास कितने लेग्स होते थे? फोर लेग्स. ऑल्दो दे मूव्ड ऑन देयर फोर पॉज, उनके जो पाव्स होते थे नीचे के पैर के जो वो होते हैं उनसे, बट वर अनेबल टू वॉक इरेक्ट, लेकिन सीधा वो वॉक नहीं कर सकते थे. होमोनॉइड्स विच इवॉल्व्ड फ्रॉम होमोनॉइड्स ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका इन 5 to 6 मिलियन ईयर्स एगो. देखो होमोनॉइड्स कहां से इवॉल्व होते हैं? होमोनॉइड्स जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था उस स्ट्रक्चर से आप देख के समझ सकते हो कि कैसे इवॉल्व हुआ है होमोनॉइड से होमोनॉइड, होमोनॉइड से होमोनॉइड. ओके, इसका एक हिंदी में वीडियो लेक्चर भी है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो. देयर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. हियर यू कैन सी
होमो हैबिल्स, होमो रूडोफेनिस, एट द एंड वी आर एट द स्टेज ऑफ होमो सेपियंस. होमो का मतलब होता है सेम. ओके, और देख सकते हो ये ऑटो वाले जो हैं, ये ऑटो यहां से इस तरफ मूव करते हैं, देन ऑटो इधर आया है. ओके, ऑटो आर द ऑस्ट्रा आर द अदर, जो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है स्ट्रक्चर. ओके, होमो का क्या है, होमो इरेक्टस, होमो एरगेस्टर, इस तरह से वो एक सेम मतलब इवोल्यूशन होता है और वो ट्रांसफर होते हैं इस तरीके से कि मतलब धीरे 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 उनका शेप चेंज होता है, जबकि ऑस्ट्रा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट शेप आ जाता है. ओके, होमो नेलेडी है, और भी इस प्रकार के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. टाइमलाइन होगा हमारे पीडीएफ में, जो हमारा नोट्स है उसके पीडीएफ में आपको एक टाइमलाइन मिलेगा, वहां आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊंगा जरूर, ठीक है. चलिए, तो अब आप सभी को लिखना है कहां तक हम लिख चुके हैं. होमोनिड्स हैड 4 लैक्स, ओके, इवॉल्व इन 5 टू 6 मिलियन ईयर्स अगो. द होमोनिड्स बिलोंग टू द होमोनाइड फैमिली, जो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमोनाइड, are further subdivided into branches known as genus. Okay, homo is originally a Latin word which means man. Homo ka basically meaning kya hai? Man hai. Homo came into existence approximately in 2 to 5 million years ago. Their fossils dated. Here I am providing you the timeline for this. Timeline dekhiye. 36 to 24 primates jo the wo monkeys in Asia and Africa. Then 24 million years ago, super family, that is hominoids, gibbons, Asian origin, orangutan, and ye, gorilla, chimpanzees, और ये सारे जो भी होंगे, ठीक है. और 6.4 जो था million years ago, branching out of hominoids and hominids, ठीक है. उसके बाद ये सारे earliest stone tools, homo, homo habilis, homo erectus, ये सारे जो होते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है. टाइमलाइन जो है वो टाइमलाइन टू है, ये इतने इयर्स है वो, जैसे ये 3 लाख इयर्स है वो, 2 लाख इयर्स है वो, इस तरीके से जो था ये टाइमलाइन. 2100 इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स, सिलने की नीडल्स की इन्वेंशन होता है. एग्जिस्टेंस एक्सटिंक्शन ऑफ नीदरलैंड्स, ओके, नीदरथल्स, earliest evidence of hutties. तो ये सारे जो है आपको timeline note करना है, ठीक है. कैसे evolution हुआ, emergence of modern humans, जैसे आज के time में हम दिख रहे हैं ना, उसका emergence जो था वो कब हुआ, this was the timeline. 195,000, 160,000 years ago के आसपास जो था हमारा emergence of modern humans. Okay, उससे पहले 2 लाख ईयर्स एगो जो था वॉइस बॉक्स, पहले जो थे हम इंसान जो था वो बोल नहीं पाता था, तो वॉइस बॉक्स मतलब बोलने की जो क्षमता हुई डेवलप, वो कब हुई, 2 लाख ईयर्स एगो. अब आप सोच रहे होंगे ये बोलने की क्षमता कैसे डेवलप हुई, तो बोलने देखिए, वो एक कहावत सुना होगा आपने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. ओके, द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये आपने कहावत सुनी होगी. तो ये वॉइस बॉक्स जो था ये इन्वेंट कैसे हुआ, ये डेवलप कैसे हुआ, पुराने टाइम में जब शिकार करते थे, दे वर द हंटर्स गैदरर्स, ओके, तो वो जब शिकार करने के लिए जाते थे तो एक दूसरे को बुलाना होता था, तो वो आवाज लगाते थे. इस तरह से आवाज लगाते 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 इनकी जो वॉइस बॉक्स थी वो डेवलप हुई, और एट द एंड आज के टाइम में जैसे मैं आप बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं because of that voice box. Okay, तो इस voice box का development कब हुआ है, 2 lakh years ago. Okay, so let's come on the point. तो ये ज़्यादा मैं नहीं time लूँगा आपका. अब देखिए, their fossils कब थे, 2.2 million years ago to 1.8 million years ago. Homo habilis, habilis की बात करी थी, but more intelligent in comparison to Australopithecus. तो ये दोनों अलग-अलग उसके ग्रुप के थे, ठीक है. होमो हैबिल्स अलग थे और ऑस्ट्रालोपिथिक्स, मैंने बताया दो ग्रुप था, तो दोनों ये अलग अलग ग्रुप के थे, होमो और ऑस्ट्रा, दे आर द डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, होमो सेपियंस द बर्ड द मॉडर्न मैन,
होमोसेपियंस, मैंने बताया ये चीज वी आर द होमोसेपियंस। इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया अफ्रीका फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड। होमो इरेक्टस की फॉसिल्स, फॉसिल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए गए थे, एशिया एंड अफ्रीका में। फॉसिल्स अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं बताऊंगा आपको फॉसिल्स क्या होते हैं। ओके, सो होमो हैबिल्स वर मोर इंटेलिजेंट, दे वर द मोर इंटेलिजेंट होमो हैबिल्स और ऑटो ऑस्ट्रलोपिथेक्स। और देखिए मॉडर्न मैन जो था दे वर इंटेलिजेंट इन वॉइस, इंटेलिजेंट के साथ साथ वॉइस थे। होमो सेपियंस केम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन 0.19 टू 0.16 मिलियन ईयर्स एगो। बताया होमो सेपियंस कब आए थे, मैंने 1,95,000 टू 1,60,000, अभी बताया मैंने आपको टाइमलाइन में। This is the line of that point only. Okay. Then fossils of Homo habilis have been found at Omo in Ethiopia and Georgia in Tanzania. The fossils of Homo erectus have been found in Africa and Asia. Homo sapiens were quite intelligent. ये intelligent भी थे। पहले के लोग जो थे, पहले के जो ये species थे, वो intelligent नहीं हुआ करते। और साथ ही साथ ये लैंग्वेज का भी यूज करते थे, सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी बनाते थे, ठीक है। और होमो नीदरलैंडिएंसिस वर आल्सो कॉल्ड नीदर नीदरथल मैन, ओके, बिकॉज देयर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन नीदर वैली इन जर्मनी, नीदर वैली इन जर्मनी। तो नीदर वैली की मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, जर्मनी में वहां पे ही ये नीदरथल मैन पाए गए थे। मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। Here you can see they are the Neanderthal men, okay, who were they found in the Germany. Basically, they were found in Germany, Neanderthal men, okay, where Germany में Neander Valley में, okay. Then Terra Amada is southern France gives the most important evidence the hut was made of thatch. आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, thatch जो था, hut जो था, वो कैसे बनाया गया, okay. Here you can see these are the Terra Amata, that is the hut which were the made of hutch. Dekh sakte hain thatch, T-H, A-T-H. Okay, these are the that Terra Amata where they were used to live. Yahan par wo raha karte the, is prakar ke hut bana ke. Okay, here you can see these were the evidences which were found in the Terra Amata sketch. You can see this. These were the their evidences. Okay. Southern France में पाया गया था ये. The life of early men underwent a sea change due to the discovery of fire. Fire की जैसी discovery हुई, तो ये बहुत बड़ा change आया इनके जीवन में. Cheso Wazana in Kenya and Swart Kranas in South Africa are the places where the traces of the use of fire have been found. So, South Africa mein, Kenya mein, inke fire ke use ka evidence paya gaya hai. The tools of early men were made of stones. Stones se banaye jaate the, inke tools jo hote the. These were the stone tools. You can see, these are the stone tools which were used by them. That is also called the Stone Age. Okay, that is called Stone Age. The tools constituted hand axes, choppers and flake tools. These were the tools which were used by them. Due to lack of time, I am unable to represent this in a very good manner. Sorry for that. From the next video, I will try to represent you. I will try to present you in a very good manner, in a very good sense, where you will be able to understand very clearly. And okay, the earliest evidence of stone tools were found in Ethiopia and Kenya. Sorry for the inconvenience, but I will make sure that you will be able to understand better in next video. Okay, about 21,000 years ago, sewing needle was invented. These all things are mentioned in the timeline. Okay. There you will get. So I am not going to in detail. Here is the detail, and you will get this notes in description box
where you can join the Telegram channel. From there you will get the Now here are some terms. That is fossils. What is fossils? Definition is given, but I am going to show you what is fossils. Then species, primates. Okay, first of all, fossils. These are the important terms, that is fossils, the remains of ancient plants, animals and humans which have become hard and turned into rock. Okay, here are some evidences. This you can see, these are the fossils, basically fossils which turn into hard rocks and many things. These get it from the archaeologist. Who are the archaeologists? Archaeologists are basically those people who excavate and get the materials, get the evidences from the earth crust. Okay, those are the archaeologists. Archaeologists used to do collect evidences, and they are the historians also. Historians get these evidences and make the histories, make some thoughts about these things, how they get, how many years ago was it was founded, and many things else. Okay, so write down the definition of fossils. Then species. Species kya hote hain? Dekhiye, species are basically group of organisms. Here we are the species of Homo sapiens. Okay, then ostra. I told you about two species. Okay, तो वो स्पीसीज जो होते हैं बाद में वो जीन्स में स्मॉलर डिवाइड होते हैं जब स्पीसीज तो वो जीन्स में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, देन प्राइमेट्स, दे आर सब ग्रुप ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स. सब ग्रुप है किसके? लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स के, एंड हैव लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोड बाय बर्थ, मैमरी ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो ये इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन से सब कुछ मतलब इनिशियल टू एंड, एंड अभी भी नहीं हुआ. वी विल बी इवॉल्व्ड इन सम मेनी इन डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करते हैं. ओके, तो प्राइमेट्स आर दी बेसिकली दोज सब ग्रुप ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स. दीज आर दी इंपॉर्टेंट टर्म्स. नाउ आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली टूल्स, पेंटिंग, स्कल्पचर विच आर द मेड बाय द human beings. Anthropology, a branch of science which deals with human culture, evolutionary aspects of human biology. Anthropology होता है, ठीक है? फिर है ethnography, the study of contemporary ethnic group. Contemporary ethnic group जो होते हैं, I will show you. It studies the mode of livelihood, gender, political institutions, social customs. As like you can think about the modern empire. Okay. If you will study about their social structure, political institutions and livelihood, कैसे रहते थे, उनके genders, then you will be studying ethnography. Okay. As you were thinking about the Australopithecus, that is Southern Apes, Homo, a Latin word which means man. Homo erectus, human who could walk erect on their legs. सीधा जो चल पाते थे, that are what called the Homo erectus. Then Homo sapiens, wise men, also known as modern humans. We are the modern humans. Okay, that's all for this chapter. Now I am showing you some. These were the timeline which I will give you in the there in Telegram channel. From there you can get. Okay. Okay. Now one more thing I am going to tell you. This is the origin human being. This is the tree. I will explain you this. From here you will get to know very neat and clean. Here origin of human beings.
प्राइमेट्स, होमोनोइड्स एंड होमोनिड्स। तो यहाँ से होमोनिड्स जो है ये इवॉल्व होते हैं, ये डेवलप होते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में, एंड देन होमो, होमो जो होता है यहाँ से फिर इवॉल्व होता है टू द होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस। देन मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व होता है इन टू दिस, ओके, एशिया में जो पाया जाता है वो दैट इज होमो हिडेलबर्गेनेसिस, होमो नीदरलैंडेंसिस, वो कहा है यूरोप एंड वेस्टर्न एंड मॉडर्न एशिया, मिडिल एशिया, ओके। अब देखिए एक और डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्ली सोसाइटीज, अर्ली सोसाइटीज के बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, डीप डिस्क्रिप्शन आपको देखते हैं, ओके। तो हियर इज द डिस्क्रिप्शन, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, ओके। ड्वेलिंग ऑफ अर्ली ह्यूमंस, ड्वेलिंग ऑन ट्रीज, ड्वेलिंग ऑन कार्व्स, हट्स, हट्स मैंने आपको दिखाया था, ओके। टूल्स मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट, यूज टूल मेड ऑफ स्टोन्स, द मेन टूल यूज फॉर द हैंड एक्सेस एंड चॉपर्स। हैंड एक्सेस की जरूरत क्यों होती थी, पेड़ पौधे काटते थे और चॉपर्स भी वो जब वो शिकार करते थे उनको काटने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट वर यूज फॉर मैनी रीजन, बुलाने के लिए यूज किया जाता था डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लैंग्वेज का यूज इसीलिए हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग, ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग मतलब एक वहां पे खड़ा है दूसरा उधर, तो एक दूसरे को आवाज लगा के किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप किया जाए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मतलब वो साइन लैंग्वेज की तरह से वो बात करना स्टार्ट किए, देन दे इवॉल्व टू दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद इनोशन, प्लीज मेक अ Make sure that you have subscribed our channel and bell icon bhi zarur dabaye. Okay, thanks a lot for watching this video. Thank you so much.